नमस्कार दोस्तों, 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुंबई में जो हालात बन चुके थे उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, टाडा एक्ट। टाडा एक्ट मतलब टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे लोग अंदर गए 1993 के बाद, और जिसमें शामिल हमारे संजय दत्त साहब। और यही एक्ट लगा था हमारे बृजभूषण शरण सिंह पर भी, और बहुत सारे जो उसमें शामिल थे, जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे उनके ऊपर लगा, और वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर भी गए। और टाडा एक्ट के तहत बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं तो बाहर भी नहीं आते हैं, क्योंकि एक टेररिस्ट एक्ट है। और टाडा एक्ट जो है बहुत ही अनलॉफुल एक्ट है इंडिया में, और जो इंडिया में इसके रूल्स है वो बहुत ही सख्त है। जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके बाद सरकार टाडा एक्ट को लेकर बहुत ही सख्त हो